नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी का भला हो जाए। ठीक है जी, अब आपके लिए जो कि मेन इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, राजस्थान की तरफ से स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये, राजस्थान का आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, जो कि टीचर की, प्राइमरी टीचर की 32,000 पोस्टें निकली हुई थी। थोड़ा सा झलक डाल देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी रिमाइंडर हो जाए भी कौन सी पोस्टें थी, कौन कौन सी पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पूरी आपको क्लियरेंस मिल जाए। ये देख सकते हो, इसमें अदर स्टेट के लिए कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो 100 रुपये फीस रहेगी और 70 रुपये OBC MBC जो कि राजस्थान के हैं फी उनकी 70 रुपये फीस, फिजिकल हैंडीकैप्ट एक्स सर्विसमैन SC ST के जो कैंडिडेट राजस्थान के हैं उनकी 60 रुपये फीस रहेगी। ये फीस स्ट्रक्चर है और अप्लाई आप 10 जनवरी से लेके 9 फरवरी के बीच में कर सकते हो, यानी कि कल ही लिंक शाम को एक्टिव हुआ है, इसलिए मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी, 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 43-40 साल एज होनी ज़रूरी है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, जो कि रिजर्व कैटेगरी के, नॉन रिजर्व कैटेगरी के टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए ये अलग अलग पोस्टें हैं। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो राजस्थान की रिक्रूटमेंट की निकले मिलेगी आपको, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के नाम पर, ये आपको इसी चैनल पर 2 दिन पहले 4 दिन पहले की वीडियो में मिल जाएगा देखने को, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब आप चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जो कि मेन लिंक है अप्लाई करने का, कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारे का सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। एलिमेंट्री डेकोरेट बीकानेर, ये बीकानेर का मेन बोर्ड है, यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करना है यहाँ पर और आपने डिटेल देखनी है यहाँ पर, ये आप पोस्ट देख सकते हो, राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2021-22, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है भी सारी की सारी डिटेल, मैंने 32,000 पोस्टों के रिगार्डिंग पूरी डिटेल दे दी है, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में हमारी में चेक कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पोर्टल खुल गया, आपको दोबारा खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे, किसके लिए कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी के लिए, किस लेवल के लिए कितनी पोस्टें हैं, जैसे एक दो मैं बता देता हूँ जाता जाता। ठीक है जी, जैसे स्पेशल टीचर लेवल 2 के लिए पंजाबी के लिए नॉन TSP अनारक्षित गैर अनारक्षित के लिए 6 पोस्टें हैं, हिंदी के लिए गैर अनारक्षित के लिए टीचर लेवल 2 के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट यानी कि ऑल तहसील किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, 1930 पोस्टें हैं। इसी तरह देखने को आपको मिल जाएंगी, ये जनरल टीचर इंग्लिश के लिए आपको 4300 पोस्टें, यानी कि टोटल में 32,000 की 32,000 पोस्टों की पूरी डिटेल आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेगी। आपने क्लिक कहाँ पर करना है, जस्ट मैंने वो पहले भी बता दिया है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है इस पॉइंट पर। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपको सामने देखने को, नेक्स्ट पोर्टल ये मिल जाएगा, इसमें अपने हिसाब से आप देख सकते हो कौन सी पोस्ट आपके लिए रहेगी, कितनी पोस्टें रहेंगी, ये सारी के सारी देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, 11,500 पोस्टें जी जनरल टीचर लेवल 1 की, जो कि सारी की सारी डिटेल मैं पहले भी आपको पूरे हिंदी नोटिफिकेशन ऑफिशियली नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अगर आपने ध्यान से वीडियो मेरी देखी हो पहले तो। ये सारे के सारे लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, बट मैं ये डिटेल नहीं दिखा सकता क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आप मेन वीडियो है ये अप्लाई करने पर बना रहे हैं, भी आपने अप्लाई कैसे करना वो चीज़ आपको मेंशन करेंगे इसमें बताने वाले हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने ये देख सकते हो 10 जनवरी से अप्लाई होने शुरू हैं, 9 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 31 दिसंबर 2022 तक अपना लास्ट डेट है प्रिंटिंग एप्लीकेशन की, 31 दिसंबर तक आपके लिए, सॉरी 31 यहाँ पे मिस्टेक है, शायद तक 31 जनवरी तक आप अप्लाई प्रिंट आउट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी, उसके बाद फीस 9 फरवरी तक फीस जमा करवानी है, 9 फरवरी के बाद ये पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मेन बात है आपको वो बता देते हैं,
किसके लिए कितनी पोस्टें कहाँ पर हैं, क्या कुछ है, कुछ चेंज है, वो सारी का सारा देख सकते हो। राजस्थान प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, जनेरा के लिए, ये स्पेशल के लिए, ये अलग अलग के लिए, अलग अलग जनरल कैटेगरी के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए, ये आप देख सकते हो किसके लिए कितनी पोस्टें। यहाँ पर आपने ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ये एक डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये देख सकते हो ये डाउनलोड होगी, ये पीडीएफ सॉरी मेरे इसमें ब्राउजर में खुल नहीं रही है, बट आपको ओपन करके दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डाउट आपके नहीं रहने चाहिए, वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है जी, ये मैं क्रोम में ही खोलता हूँ पीडीएफ को। किसी की पीडीएफ ना खोले तो क्रोम में ही खोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार जो कि पीडीएफ रीडर होता वो नहीं खोल पाता। ये देखने को मिल जाएगा आपको अनुसूचित जाति के लिए, गैर अनुसूचित जाति के लिए, किसके हिंदी के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको हर एक पोस्ट के लिए देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हेल्पलाइन नंबर के बारे में, जो कि आप विज्ञप्ति के यानी कि जो एडवर्टाइज है एडवर्टाइज के बारे में जानने के लिए, विज्ञप्ति के लिए आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हो। आपको कोई फीस पेमेंट के रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है नहीं, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर कंसर्न कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। दैट क्लियर है? ठीक है जी, ये अपनी अपनी कैटेगरी के वाइज ये आप देख सकते हो भी कौन सा आप अप्लाई करोगे। ये दोबारा फिर मैं बता देता हूँ आपको, ये लिंक इसमें आपने क्लिक करना है, सारी डिटेल खुल जाएगी। उसके बाद आप बात कर लेते हैं अप्लाई लिंक के बारे में, क्योंकि मेन एडवर्टाइज के बारे में आपने पिछली भी दो वीडियो में सुन लिया, सारी समझ ली है, अप्लाई करने के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने अगर पहले कभी अप्लाई किया हुआ राजस्थान बोर्ड में तो उसी आईडी से हो जाएगा, अदरवाइज आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको रजिस्ट्रेशन बता देते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक किया, ओनली दैट्स क्लियर है। ओके, यहाँ पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, डेमो भी आप रजिस्ट्रेशन का देख सकते हो, ये डेमो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भी आप अप्लाई कैसे करोगे। ये डेमो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव प्रोवाइड करवा रखा है, यहाँ से डेमो भी आपको साथियों मिल जाएगा। ये देख रहा हूँ आगे दो अकाउंट है, किस पर क्लिक करना है, फिलअप करना है। ठीक है, आप गूगल की तरफ से भी कर सकते हो, ले रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे ही मैं गूगल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, गूगल आईडी तो गूगल पर जो मेरा जीमेल आईडी बनी हुई है वो यहाँ पर मुझे दिख जाएगी। ठीक है, उसकी सॉरी गूगल की जीमेल आईडी सभी की होती है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका 50% काम वैसे ही वर्क हो जाएगा। ठीक है जी, और आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक करके अपनी आईडी स्टार्टअप कर लेनी है, क्योंकि मेल आईडी आपकी ये अपने आप ऑटो फिल हो चुकी है। आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद जो जो आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करवा देने हैं, क्योंकि किसी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। ठीक है जी, किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन पर चैनल पर भी स्ट्राइक हो सकती है, इसलिए मैं किसी कोई कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। यानी कि ये जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट में ही आपको सब कुछ यहाँ पर, तो ये ऑफिशियली लिंक मिल जाएगा पोस्ट वाइज। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपने अप्लाई करना। अप्लाई का डेमो भी आपको आगे जाके देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डेमो भी देख सकते हो। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये आपको डेमो भी इसमें देखने को मिल जाएगा, अपने किस हिसाब से आप पासवर्ड सेट करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किस तरह आप अप्लाई करोगे। ये एज ए डेमो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सारे का सारा एज ए डेमो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है जी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये पोस्टों की डिटेल भी आपको इसी ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपने इसी तरह पीडीएफ डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना। आई होप सो भी आपको अप्लाई करने का पूरे को पूरा मैटर पता लग गया है, आप आराम से हर कोई इजीली वे से अप्लाई घर बैठा ही कर सकता है। ओके, ठीक है जी, जैसे ही कोई और भी अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर कर लेंगे। कृपया करके 8 फरवरी से पहले पहले, जो कि आपको लास्ट डेट मैंने बताई है, 9 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए,
अप्लाई वेट मत कीजिएगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नंबर भी मैंने बता दिए हैं, जिस कैंडिडेट ने वीडियो स्किप किया उनको ना तो कोई नंबर पता लगा ना कोई इन्फॉर्मेशन पता लगी है, कृपया करके वीडियो बैक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह की और भी बिग अपडेट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ये सारे के सारे लिंक, अप्लाई लिंक, सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी तरफ से प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, बाकी लिंक आपको राजस्थान के बोर्ड से भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।